नमस्कार किसान भाई बहनों, दूरस्थ गांव में बैठे गांव की चौपालों में वरिष्ठ किसान, खेत और खलिहान में काम कर रहे हमारे गांव के नौजवान, घर गृहस्थी का काम कर रही माताएं बहनें, आप सभी को जय सिया राम प्रणाम। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसानों की मेहनत कृषि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से पूरे देश में हमारे प्रदेश के किसानों ने एक नया इतिहास रचा है। लगातार पाँचवीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया है। हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो लोग खेती बाड़ी का काम समझते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि खेती बाड़ी का काम करना कोई सहज नहीं है। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम आपको मशरूम की खेती, साथ में गर्मियों के मौसम में फूलों की कैसे देखभाल करें, इस संबंध में बताएंगे। पर पहले देखते हैं खबरें खेती की और जानते हैं मंडी के भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। सोलर पंप लगाने पर 90% तक सब्सिडी, कपास के लिए सामायिक सलाह, इस समय बागवानी के महत्वपूर्ण कार्य, बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय, किसानों को मौसम विभाग की सलाह। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर कृषि प्रायोजन के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की शुरुआत की गई है। योजना के लिए राज्य शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का मुख्य उद्देश्य जिन क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता नहीं है वहां सिंचाई की व्यवस्था डीजल से सिंचाई वाले किसानों को वित्तीय भार से बचाना, विद्युत वितरण कंपनी के अस्थायी विद्युत कनेक्शनों की संख्या में कमी लाना और डीजल पंप से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। अन्य उद्देश्यों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य में सिंचित क्षेत्र बढ़ाना, किसानों को सक्षम बनाने के लिए बागवानी की फसलों को बढ़ावा देना एवं कुशल सिंचाई विधियों के माध्यम से भूजल संरक्षण करना भी है। कृषि कार्य के लिए सोलर पंप की स्थापना 3 HP तक के सोलर पंपों पर 90% 3 से 5 HP तक के लिए 85% अनुदान प्राप्त होगा। किसान भाइयों, कपास की तैयारी अब पूरे जोरों शोरों पर है। इस समय खेत का पलेवा करके खेत की अच्छे से जुताई करें और समय पर आपको कोई परेशानी ना हो इसके लिए खाद व बीज की व्यवस्था पहले से कर लें। अगर किसी किसान भाई के पास बीज रखा है तो उसको बुआई से पहले अंकुरण प्रतिशत ज़रूर जांच लें। बीज को खरीदते समय ध्यान रखें कि जो बीज आप बुआई के लिए खरीद रहे हैं वो उस क्षेत्र में अच्छा उत्पादन दे सके। बीज को खरीदते समय पक्का बिल अवश्य लेवें और बीज के बिल के ऊपर लोट नंबर और बैच नंबर लिखवाएं और खाली थैलियों को भी संभाल कर रखें। बागवानी कर रहे किसान इस समय छोटे कोमल पौधों को लू से बचाने का उपाय करें। फल वृक्षों की सिंचाई करें। नए बगीचे लगाने के लिए गड्ढे बनाएं। पुराने पेड़ों की कटाई छटाई करें। अदरक, हल्दी और अरबी की बुआई करें। नींबू वर्गीय पौधों में नीम की खली 500 ग्राम प्रति पौध के हिसाब से डालें। साथ ही बेल वाली फसलों में पौध संरक्षण करें। बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। निर्धन की कामधेनु कही जाने वाली बकरी का अगर व्यवसाय की दृष्टि से पालन किया जाए तो बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। बकरी कम लागत में अधिक उत्पादन देती है। बकरियां हर मौसम में आसानी से ढल जाती हैं। साथ ही इनकी उत्पादन क्षमता दूध व मलमूत्र से प्राप्त जैविक खाद अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं। बकरियां साधारण घरों में रहकर पल सकती हैं। अन्य पशुओं की अपेक्षा कम बीमार होती हैं। प्रत्येक निर्धन व्यक्ति भी बकरियों को सड़क के किनारे खाली पड़े खेतों में चराकर पाल सकता है। व्यावसायिक दृष्टि से बकरी पालन हेतु कुछ नस्लें ऐसी हैं जिन्हें पालकर अत्यधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है, जैसे जमुनापारी, बर्बरी, मारवाड़ी, कश्मीरी, मेवाड़ बकरी, मेहराना नस्ल और सिरोही नस्ल प्रमुख हैं। और अब किसानों को मौसम विभाग की सलाह। मूंग की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। खाली खेतों में गर्मी की गहरी जुताई करें। इससे रोग कारक खरपतवारों एवं कीटों के अवशेष नष्ट हो जाते हैं। खरीफ की फसल की बुआई के लिए बीज एवं अन्य आदनों की व्यवस्था करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों एवं भिंडियों की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
गेहूं के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। ग्वालियर में न्यूनतम 1,500 रुपए, अधिकतम 1,630 रुपए। इंदौर में न्यूनतम 1,491 रुपए, अधिकतम 1,600 रुपए। गुना में न्यूनतम 1,400 रुपए, अधिकतम 1,430 रुपए। नीमच में न्यूनतम 1,625 रुपए, अधिकतम भाव भी 1,625 रुपए रहा। मसूर के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। शाजापुर में न्यूनतम 3,800 रुपए, अधिकतम 3,900 रुपए। सतना में न्यूनतम 3,600 रुपए, अधिकतम 3,750 रुपए। उज्जैन में न्यूनतम 3,290 रुपए, अधिकतम 3,756 रुपए। भिंड में न्यूनतम 3,350 रुपए, अधिकतम 3,665 रुपए। सोयाबीन के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। सतना में न्यूनतम 2,400 रुपए, अधिकतम 2,675 रुपए। उज्जैन में न्यूनतम 2,846 रुपए, अधिकतम 2,907 रुपए। बालाघाट में न्यूनतम 2,576 रुपए, अधिकतम 2,871 रुपए। इंदौर में न्यूनतम 2,848 रुपए, अधिकतम 3,000 रुपए। मंडी भाव समाप्त हुआ। कृषि महोत्सव खेती को लाभकारी बनाने के लिए व्यापक अभियान। प्रदेश के समस्त जिलों में ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगे कृषि क्रांति रथ। किसानों से जुड़े सभी विभागों की होगी भागीदारी। सबको मिलेगी योजनाओं की जानकारी। ग्राम संसद के तीसरे दिन होगी खास किसानों से उनके कल्याण और कृषि विकास की बात। पंचायत स्तर पर किसानों की आय दोगुनी करने की बनेगी कार्य योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ, निशुल्क मृदा स्वास्थ्य पत्रक, जैविक खेती के लाभ और तरीकों की जानकारी, कैसे नियंत्रित हो कीट और पौधों की बीमारी, दूध उत्पादन में वृद्धि के उपाय, फल फूल और सब्जी का उत्पादन बढ़ाने की तकनीकी, बूंद बूंद से अधिक उत्पादन की योजना होगी साकार। हर जिले को मिलेंगे नए कस्टम हायरिंग केंद्र, नई और लाभकारी फसलों के साथ उन्नत किस्मों का ज्ञान, प्रशिक्षण, संगोष्ठियाँ, मेले और साथ ही अपनी समस्याओं के त्वरित निदान। तो फिर सोचना क्या, जब पहुँचे अपने गाँव कृषि रथ, मिलजुल कर तब करें स्वागत। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, मशरूम की खेती करना आज के समय में स्वरोजगार का एक अच्छा व्यवसाय है। किसान भाई को सीमित जगह में इसमें बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत भी नहीं होती है, साधन भी कम होते हैं, इससे आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। जो किसान भाई छोटी छोटी जगह में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, या अपने घर की दलहन में भी मशरूम की खेती कर सकते हैं। मशरूम उत्पादन की नई तकनीक आज हम बताएंगे। इस संबंध में हमारे लिए जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुषमा नेमा जी। आइए जानते हैं। मशरूम की खेती हम आम तौर पर साल भर कर सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष समय की वो नहीं होती है, और ये इसकी खेती कम समय में, कम उत्पादन, कम लागत में की जा सकती है। इसे वैसे तो मशरूम कई प्रकार के होते हैं, पर जो मशरूम का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के मशरूम का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि पहला है बटन मशरूम, दूसरा है ऑयस्टर या सीपी मशरूम, और तीसरा है धान के पुआल का मशरूम। जो बटन मशरूम है इसके लिए कम तापक्रम की आवश्यकता होती है, आमतौर पर इसको 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर उगाया जाता है। और दूसरा जो सीपी मशरूम है उसको आप 25 से 30 डिग्री तापक्रम पर उगा सकते हैं, और उसकी खेती बहुत सरल है। आमतौर पर छोटी जो घास फूस की झोपड़ी बनाकर या पुराने कमरे में जो मकान में
एक्स्ट्रा कमरा है उसमें इसकी खेती की जा सकती है। और तीसरा होता है धान के पुआल का, जिसकी धान जैसे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होती है तो उसके पुआल के ऊपर इसकी खेती की जा सकती है, जिसको कि 35 से 40 डिग्री तक उगाया जा सकता है। तो जो स्ट्रीपी मशरूम की खेती बहुत आसानी से की जा सकती है और सरल भी है, उसे हम गेहूं के भूसे या धान के पुआल या गन्ना का जो रस निकालने के बाद छोटे बचते हैं उसके ऊपर इसकी खेती की जा सकती है। यानी आमतौर पर जो कृषि अवशिष्ट हैं उनके ऊपर हम मशरूम की खेती कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो कृषि भूसा है उसको हम उपचारित कर लेते हैं ताकि दूसरी फफूंदों का आक्रमण ना हो। तो इसके लिए हमको एक नाद में या प्लास्टिक के ड्रम में, जैसे हम 30 लीटर अगर पानी लेते हैं तो उसमें 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम और 60 मिलीलीटर फॉर्मेलिन का घोल बनाकर रात भर ये भूसे को उसमें डुबा देते हैं ताकि वो जीवाणु रहित और विभिन्न प्रकार से फफूंद से रहित हो जाए। उसके बाद भूसे को निचोड़ के बाहर निकाल लेते हैं और उसमें मशरूम का बीज, जैसे कि स्पॉन कहते हैं, उसको मिलाया जाता है। आमतौर पर मशरूम के बीज को हम 1 किलो भूसे में 50 ग्राम बीज को मिलाते हैं और इसको परत विधि से भरकर एक पॉलीथीन की, जो को कि गजट पॉलीथीन कहते हैं, थैलियां आती हैं आमतौर पर 18x15 इंच की जो थैली होती है वो उपयोग की जाती है, उसमें 1 किलो भूसा आसानी से आ जाता है। भूसे को भर के उसमें बीज डाल के और उसका मुंह रबड़ बैंड से बांध दिया जाता है और उसमें चारों तरफ छोटे छोटे छेद जो होता है बोरा सिलने का सूजा उससे कर दिया जाते हैं ताकि जो एक्सेस पानी है, अतिरिक्त पानी है, वो वहाँ से निकल जाए। और इन थैलियों को हम कभी कहीं पे अंधेरे जगह में और जहाँ पे नाम स्थान है रख दिए जाते हैं। पर इसमें एक चीज़ ध्यान देने बात है कि इसमें जो बीज होता है वो चूहा खाता है, मशरूम का बीज, तो इसको चूहे से सुरक्षित रखा जाए। जहाँ पर चूहे वगैरह ना आते हों वहाँ पर इन थैलियों को रख दिया जाता है। 10 से 15 दिन के बाद इस थैलियों में मशरूम का जो जाल है वो फफूंद पूरी तरह फैल जाती है और ये जो थैलियां हैं सफ़ेद दूधिया रंग की दिखाई देने लगती हैं। जब ये थैली दूधिया रंग की दिखाई देने लगे इसके लिए मुख्य रूप से 10 से 15 दिन लगते हैं। इस समय के बाद ये थैलियों को चाकू से या ब्लेड से काट दिया जाता है और जो भूसा है एक बंडल का रूप ले लेता है और उस बंडल को हम ये नायलॉन की जो प्लास्टिक वायर आते हैं रस्सी से बांध कर झोपड़ी या कमरे में लटका देते हैं। आमतौर पर 1-1 फीट की दूरी पर इनको लटकाया जाता है, दो जैसे कमरा है या झोपड़ी है उसमें दो बल्ली गाड़ के और उनके बीच में एक बांस लगा दिया जाता है जो कि ज़मीन से 4 फीट ऊंचा होता है। उसके ऊपर हम 3 फुट ऊपर दूसरा बांस लगा सकते हैं और उसके ऊपर भी 3 फुट ऊपर और तीसरा बांस लगा के इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो मशरूम का परत विधि से बनाते हैं। और उसके बाद इसमें हमको पानी देने की आवश्यकता होती है। जब जो भूसा है थैली के अंदर होता है तब हमको कोई उसमें पानी देने की या कोई भी करने कुछ चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। हम 15 दिन के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। 15 दिन के बाद जब थैली खोल के हम लटकाते हैं तब उसमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर बरसात के दिनों में सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप 2 दिन के अंतर पर भी सिंचाई कर सकते हैं क्योंकि भूसा धीरे धीरे सूखता है। लेकिन ठंड में हमको दिन में एक बार प्रतिदिन मतलब सिंचाई करना ज़रूरी होता है ताकि ये जो बंडल है वो गीला रहे और जो झोपड़ी होती है या कमरा होता है उसमें पर्याप्त कम से कम 90% तक नमी होना चाहिए। इसके बाद अगर गर्मी में हम इसकी खेती करते हैं तो गर्मी में 2-3 बार हमको सिंचाई करने की आवश्यकता होती है ताकि ये नमी हमारी बनी रहे। जब ये हम पर्याप्त सिंचाई करते हैं तो 3 से 4 दिन में इसमें छोटी छोटी सफ़ेद रंग की बोणियाँ टाइप की निकल आती हैं जो 2 से 3 दिन में खुल जाती हैं और फूल के आकार ले लेती हैं। इसके बाद हम इनको घुमाकर तोड़ लेते हैं और इसका उपयोग हम अपने खाने में कर सकते हैं। इस तरह मशरूम की खेती आपने सिंपल तरीके से की जा सकती है और उसका उपयोग हम आमतौर पर बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए कर सकते हैं।
आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य, इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन, किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, फूल कुदरत के उपहार हैं, धरती के श्रृंगार हैं। फूल सबको सुख और समृद्धि देते हैं। फूल पैदा करने वाले, बेचने वाले और उपभोक्ता सबको लाभ देते हैं और आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। ऐसे फूलों की देखभाल गर्मियों के मौसम में कैसे करना चाहिए, इसी संबंध में जानकारी दे रहे हैं शासकीय गुलाब गार्डन के सहायक संचालक डॉक्टर MS सेपी साहब। आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम में दिन प्रतिदिन तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है और जो फूल हैं अपने आप पे बहुत ही नाजुक चीज़ होती है और जो भी फूल लगे थे वो मुरझाने लगते हैं। तो इस मौसम में अगर आपने बगीचे के अंदर ये फूल लगा के रखे हैं, अगर उनकी सही देखभाल नहीं की तो निश्चित रूप से वो मुरझाएंगे और आपकी बगिया की शोभा जो ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो आप जानते हैं गर्मी के हर मौसम के अंदर फूलों की अलग अलग जातियाँ प्रजातियाँ होती हैं और जो सर्दी का मौसम है वो जिसमें अब लगभग ख़त्म हो चुका है। गर्मी के अंदर जो फूल हैं जैसे कोचिया, 10 o'clock, जीनिया, गेंदी, कास्मस, ये फूल जो है इनकी खेती की जाती है। लेकिन ये भी एक ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो ख़राब होने लगते हैं। और साथ ही आपके जैसे गुलाब जो आपने लगे हैं ज़मीन के अंदर वो भी पूरे ख़राब होने लगते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम कैसे देखभाल करें, तो मैं सबसे बड़ी सलाह ये दूंगा कि अगर मान लो आपने गर्मी के पौधे लगा रखे हैं तो उसके लिए आप नियमित रूप से पानी दें, सबसे सुबह शाम पानी दें उसके अंदर। और पानी देने का समय निर्धारित कर लें कि सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक और शाम को सनसेट के बाद से सूरज आ जाता है तो उसके बाद पानी दें तो अच्छा रहता है। अगर धूप में पानी देते हैं तो बजाय पौधों को फ़ायदा होने के नुकसान होता है। नुकसान इसलिए होता है कि जो पानी एकदम भाप बन के उड़ता है उसकी जड़ें हैं पौधों की, उसको नुकसान पहुँचाता है, फूल खराब होता है, पहला। दूसरी चीज़ ये कि आपने जैसे परमानेंट पौधे हैं जिनको हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते क्यारी के अंदर, जैसे गुलाब है, सब जानते हैं कि गुलाब जो है ख़ासतौर से सर्दी का पौधा है, सर्दी के अंदर ज़्यादा अच्छे फूल देता है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वान्टिटी, उसकी फ्रेगरेंस सब सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बजाय उसकी गर्मी। अब उसको गर्मी के मौसम में उसको बचाए रखना बहुत बड़ा एक अपने आप में चैलेंज होता है। तो उसके आप दो चीज़ों से गर्मी के पौधों गुलाब को बचा सकते हैं, अगर गमले में रखे हैं तो उठा के उसको शेड वाली जगह में रख दें, या फिर अगर गैरी के अंदर ज़मीन के अंदर लगें तो उसके अंदर शेड कर सकते हैं। और शेड अगर नहीं कर सकते तो उसमें आप पानी दें, नियमित रूप से पानी दें, बिल्कुल सूखा उसमें पड़ने दें। और साथ ही अगर उसमें आपने स्प्रिंकलर से पानी दें या पाइप से घर में अंदर गार्डन के अंदर पानी आप दे रहे हैं तो सीधा पौधे के ऊपर बौछार डालें जिससे कि पौधे के अंदर कुछ
तापमान में कमी आएगी और आप पौधा आपका सर्वाइव करने के लिए हेल्दी बना रहेगा। और जैसे ही उसके टेम्परेचर तापमान कम होता है, अच्छी क्वालिटी के अच्छे किस्म के फूल आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी किस्म के पौधे हैं जैसे टेनोक्लाक्स है, इनके हैं तो इनका यह है भाई कि आप पानी दें, और सबसे बड़ी जो गर्मी के अंदर देखभाल इसमें जो होती है कि आप किसी भी किस्म का उर्वरक या फर्टिलाइज़र गर्मी के मौसम में किसी भी पौधों को ना दें। इस मौसम में अगर आपने उर्वरक या फर्टिलाइज़र पौधों को दिए तो वो उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। थोड़ा बहुत भी पानी अगर कम हुआ तो पौधे बजाय बढ़ने के सूख जाएंगे और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो गर्मी के अंदर आपको वैसे फूल हैं, फूलों को लगातार न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसको आप पूर्ति करने के लिए सबसे अच्छा गर्मी के अंदर था वर्मी कंपोस्ट, मतलब केंचुए की खाद दें या सड़ी गली गोबर की खाद जो बिल्कुल छनी हुई है, उस खाद का आप इस्तेमाल उसके अंदर कर सकते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो पोषक तत्व पौधों को मिल जाते हैं, दूसरा उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो स्लो मिलते हैं, धीरे धीरे पौधे मिलता रहता है, पौधे की आवश्यकता पूरी होती रहती है। तीसरा इसमें किसी प्रकार के पौधे को या जिसकी जड़ों को नुकसान नहीं होता, भले आपने पानी देने में सिंचाई करने में देर कर दी हो या आप किसी वजह से पानी दे पा रहे हैं, तब भी पौधे को सुरक्षित बना रहता है, पौधे जमीन की जो नमी है वो मेंटेन रहती है। इसी के साथ चूँकि गर्मी का मौसम है, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप हमेशा बना ही रहता है, तो कीड़े मकोड़ों की दवाई के लिए भी एक गर्मी के अंदर ख़ास तौर से कभी भी दोपहर के समय उसका स्प्रे ना करें, चाहे वो फंजीसाइड हो, चाहे इंसेक्टसाइड हो, कीड़ों मारने की दवा हो, चाहे बीमारियां मारने की हो दवा हो, उसके अंदर आप कभी भी दवाई को दोपहर के अंदर ख़ासतौर से सुबह 11 से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में कभी भी स्प्रे न करें। अगर आपको लगता है कि हमारे इसमें बीमारी लगी है, कीड़ा लगा है, फफूंद लगी है, तो उसका सबसे अच्छा होता है शाम का टाइम स्प्रे करें, और स्प्रे करने के पहले ये सुनिश्चित कर लें कि हमारी जो जिस पौधे के अंदर पंप सिंचाई करने वाले हैं, स्प्रे करने वाले हैं, वो पहले से गीला है, उसके अंदर सिंचाई पर्याप्त मात्रा में पहले से मौजूद है। चूँकि ये केमिकल है, अगर आपने बिना सिंचाई किए पौधे को स्प्रे कर दिया, धूप में तेज कर दिया, तो वो आपको नुकसान पहुँचाएगा बजाय फ़ायदे के। तीसरा इसके अंदर है गुलाब के, ख़ासतौर से हम गुलाबों की बात करें तो कभी भी इसमें गर्मियों के मौसम में कटिंग ना करें। उसका आपको कारण बताता हूँ कि गुलाबों के अंदर अगर आपने कटिंग करी है, गुलाबों में या किसी फूलों पौधों के अंदर गुलाब कटिंग करी, तो जो जहाँ से आप काटते हैं ऊपर के टिप से आप जो काटेंगे उसको, तो वहाँ से सीधी सनरेज जो धूप की रोशनी है, सूरज की किरणें हैं, सीधे अंदर पहुँचेंगी और बजाय उसको आपके फ़ायदे के वो सुखा देंगी। तो जहाँ तक हो सके प्रूनिंग, जिसको हम कहते हैं कटाई छटाई से, पौधों को बचना चाहिए और उसके अच्छा अंदर आपको रखना चाहिए। इसी के साथ आपको अगर फूल हैं तो हटा दें उसको, फूल जो है ख़ासतौर से अगर सूखे हुए फूल हैं तो उसको आहिस्ता से काट के हटा दें और उसको आप उसके अंदर पौधे को सुरक्षित कर सकते हैं। मोगरे के पौधे हैं, गर्मी के अंदर काफ़ी अच्छे फूल देते हैं, फ्रेग्रेंस रहती है। मोगरे के अंदर आप ज़रूर थोड़ा बहुत केमिकल्स, ख़ासतौर से अगर आप चाहें तो DAP डाल सकते हैं, और उसके अंदर जो फूल आते हैं, मान लो फूल की नियमित रूप से तोड़ाई करें, वो निवाई तोड़ाई करने के पश्चात उसको जो फूल वहाँ पर रह गए हैं उसको रहने नहीं दें, सूखी हुई फूलों को हम समय समय पर हटाते रहें। इस तरह आप देखेंगे अगर आप गर्मी में दिन बातों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बगिया अच्छी दिखेगी, हरी भरी दिखेगी और आपको किसी भी प्रकार का ये दूसरी बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपके पौधे सर्वाइव रहेंगे। नमस्कार। ये बदलाव क्या है, बदलाव से हुआ क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है, जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार?
खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल, पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर, एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है। देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कैसे आपकी सेवा में तत्पर हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ, उनके मार्गदर्शन में आप खेती करें। आज तो विज्ञान का जमाना आया है, नई नई तकनीक अपना कर आप अधिक उत्पादन लें, तो इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और आपकी आर्थिक आय भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, ये था आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर हम हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।